काश मैं भी फिल्मों में होता, क्योंकि फिल्मों में सब कुछ आसान होता है. एवरीथिंग इज सिंपल. विलेन को पकड़ना है तो उसका फोन ट्रेस कर लो. अब फोन ट्रेस करना चाय बनाने जितना आसान होता, फिर तो ये भी दिल्ली का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटर होता. क्या समझे? फोन ट्रेस करना कोई आसान बात नहीं है. ट्रेस करने की परमिशन एक कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से आनी चाहिए, जैसे कि एक पुलिस अफसर. और परमिशन मांगने के पीछे एक सही वजह होनी चाहिए. इस परमिशन की कॉपी एक रिव्यू कमेटी के पास 7 दिनों के अंदर पहुंचना जरूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि काम बन गया. हमें एविडेंस देना पड़ता है कि फोन ट्रेस करना ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का इकलौता तरीका है. सिंपल सी बात है, प्रूफ के लिए प्रूफ चाहिए. ये इंफॉर्मेशन हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, प्राइवेसी के लिए. इस इंटरसेप्शन के ऑर्डर पर अफसर का नाम, डेजिग्नेशन और किन किन के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी, ये मेंशन करना जरूरी है. और अगर आपको ये लग रहा है कि कोई अफसर ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर कर सकता है, तो ये गलतफहमी है. ट्रेस के सभी रिकॉर्ड्स हर 6 महीने में डिस्ट्रॉय किए जाते हैं. रिकॉर्ड्स रखने हैं तो करेक्ट रीजनिंग देनी पड़ती है. क्या है ना, फोन ट्रेस तो हमने भी किया, आसान नहीं था. वैसे आसान तो अच्छी चाय बनाना भी नहीं होता.